अब आपको चीन और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी ये दोनों खतरा बन गए हैं। चीन दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले वायरस का केंद्र है तो पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये दोनों देश अब परमाणु हथियारों की दौड़ में भी बहुत आगे निकल गए हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। चीन ने पिछले एक वर्ष में 30 नए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है, जबकि भारत के पास इस समय कुल मिलाकर 150 परमाणु हथियार हैं। भारत के परमाणु हथियार पहले से कम हुए हैं या बड़े हैं, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। इस रिपोर्ट में चीन को लेकर यह चिंता भी जताई गई है कि वो अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारियां दुनिया को देता है, लेकिन चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है, उन्हें अपग्रेड कर रहा है और चीन ने जमीन और समुद्र से वार करने में सक्षम नई परमाणु मिसाइलें भी बना ली हैं और चीन ने परमाणु हथियार ले जाने वाला एक एयरक्राफ्ट भी उसका भी निर्माण किया है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रखने वाले अमेरिका और रशिया अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे अब नष्ट कर रहे हैं। दुनिया के जो देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, उनके पास इस समय कुल 13,400 परमाणु हथियार हैं पूरी दुनिया में, जबकि पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 थी, यानी कुछ गिरावट आ रही है। यानी जब दुनिया के देश परमाणु हथियारों को लेकर सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, तब चीन और पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। असल में इस समय दुनिया को मिसाइलों की नहीं बल्कि मेडिसिन की जरूरत है। इस समय हमें परमाणु हथियारों की नहीं अस्पतालों की जरूरत है। इस समय वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इस समय दवाइयों की जरूरत है। जिस देश के पास अस्पताल होंगे, दवाइयां होंगी और जो देश सबसे पहले इस कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लेगा, असल में सुपर पावर वही देश है। ये मिसाइल और परमाणु हथियार किसी के काम आजकल नहीं आने वाले। और एक और खास बात इससे आपको ये पता चलेगी कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।